kids, how are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I am Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now study time. अभी कौन सा टाइम है बच्चे आपका? स्टडी टाइम है. तो आज हम स्टडी टाइम में बच्चे अपनी तीनों नोटबुक का, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स, तीनों नोटबुक का वर्क करेंगे. ओके बेटा, तो अभी तो बच्चा मैं आपको जस्ट रिवीजन करवा रही हूँ. मुझे पता है आप लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है, बट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं बेटा जिनको रिवीजन की जरूरत है, तो उनके साथ साथ बच्चे आपने भी रिवाइज करना. आप ये मत सोचना कि मैंने तो ये वर्क कर रखा है तो मैं क्यों करूं. नहीं, जितना आप रिवाइज करोगे बेटा उतना आपको अच्छे से बनाना आएगा और आप अच्छे से सीखोगे. तो रिवाइज करने में कोई बात नहीं बच्चे, आपको रिवाइज जितना कर सकते हो आप उतना रिवाइज करो. ओके बेटा, तो अभी ये स्टार्ट करने से पहले बच्चा सम बेसिक थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए. व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 17. एंड व्हाट इज द डे टुडे? टुडे इज मंडे. व्हिच मंथ इज गोइंग ऑन? जनवरी मंथ इज गोइंग ऑन. एंड व्हिच ईयर इज गोइंग ऑन? 2022 इज गोइंग ऑन. सो बच्चा अभी हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स का वर्क. मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि हमने क्या क्या वर्क करना है. आज हमने अपने इंग्लिश की क्लास में बेटा ओनली 3 लेटर्स जो हमने कर्सिव स्टार्ट कर रखी है. मुझे पता है आप ए टू एल कर चुके हो, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी कर्सिव करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार हम फिर से स्टार्टिंग से ले रहे हैं 2, 2, 3, 3 लेटर्स करके, ताकि उनका भी अच्छे से क्लियर हो जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए. ओके बच्चा, तो आज हम करेंगे लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी. तो ये हम इंग्लिश में करेंगे और मेरी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट उनको डॉट्स लगा कर दें 1-1 पेज करके, ताकि वो 1 पेज कंप्लीट करें और अपनी लाइव क्लास में अपने टीचर को शो कर सके कि आज हमने ये वाला राइटिंग वर्क किया है. तो इंग्लिश में हमने क्या करना है बेटा, लेटर ए बी सी. एंड हिंदी में हमने क्या करना है बच्चे, हिंदी में हमने करना है बेटा आज हमने सिर्फ 3 व्यंजन ही करने हैं, क, ख और ग. तो पेरेंट्स बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग जो जो व्यंजन हमने करने हैं क, ख, ग, उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को डॉट्स लगा कर दो, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए. ओके, और उसके बाद हमारा जो मैथ्स का वर्क है बेटा, मैथ्स में हमने क्या करना है, रिवीजन करनी है, क्योंकि मुझे पता है आपकी 1 to 100 तक काउंटिंग हो चुकी है, बट आज हम लोग एक बार 1 to 40 काउंटिंग करेंगे, फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में बेटा 40 to 80 करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम 81 to 100 तक काउंटिंग करेंगे. ओके बेटा, तो आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी काउंटिंग की 1 नंबर से लेकर 40 नंबर तक. तो बेटा प्लीज आपने अच्छे से इसको करना है, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में करना है और अपनी लाइव क्लास में अपने टीचर को अच्छे से शो करना है. तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा. ओके, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट. किड्स, आज हम क्या करने वाले हैं बच्चा, अपने कर्सिव में लेटर ए, बी एंड सी की प्रैक्टिस करने वाले हैं. ठीक है बच्चे, तो कैसे, इस तरीके से डॉट लगानी है, ऐसे स्लैंटिंग डॉट और फिर एक डॉट ऐसे नीचे, और बी के लिए ऐसे ऊपर और नीचे स्लैंटिंग, और ऐसे सी के लिए. तो हम सबसे पहले करेंगे ए. ठीक है, कौन सा लेटर? लेटर ए, साउंड इज ए. यहां से स्टार्ट करो आप, इसको नीचे से इस डॉट पर आओ और इसको ऐसे कर्व, हल्का सा कर्व लेकर आओ, फिर आपने एक सर्कल बनाना है ऐसे, और फिर इसको नीचे लेकर और ऐसे करना है. ये हमारा क्या बन गया, अ एप्पल. कैसे बेटा, लुक हियर, पहले स्लैंटिंग लाइन, देन हल्का सा कर्व नीचे जहां तक डॉट है, फिर सर्कल, देन डाउन, अ एप्पल, अ एप्पल. आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है, लेकिन जिन्होंने स्टार्ट करना है वो ध्यान से देखना बेटा कैसे करना है. एप्पल बेटा, जिन्होंने स्टार्ट करना है उनको प्रैक्टिस बहुत चाहिए, तो आप ध्यान रखना बेटा, और जितनी प्रैक्टिस कर सको, 1 पेज 2 पेज वो प्रैक्टिस करनी है आपको. एप्पल, एप्पल, इस तरीके से आपने एप्पल बनाना है. नेक्स्ट है बेटा हमारा बब बॉल. तो यहां से ऐसे ही स्लैंटिंग लाइन, ठीक है, फिर एक ऐसे स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन, फिर इसको ऊपर यहां तक आपने लेके आना है, इसको ज्वाइन नहीं करना, यहां से छोटा सा कर्व देके इसको ऐसे. कैसे बेटा, स्लैंटिंग लाइन, देन ऐसे स्ट्रेट स्टैंडिंग लाइन, अब इसको ज्वाइन नहीं करना यहां से, फिर ऐसे हल्का सा कर्व देकर, बब बॉल. क्या बन गया बच्चे, ये बब बॉल.
बॉल, ब बेड, ब बालून, ब बैट, और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो ब पे बनते हैं ना, तो आप उनको बोलने की प्रैक्टिस किया करो। ये है हमारा ब। क्लियर बेटा? नेक्स्ट है बेटा हमारा लेटर सी। नेक्स्ट है बच्चे हमारा लेटर सी। तो कैसे करेंगे हम? यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से पहले ऐसे स्लैंटिंग लाइन, देन हल्का सा कर्व, और फिर ऐसे। इसको पूरा ऊपर तक ज्वाइन नहीं करना, सर्कल नहीं बनाना। ये है बेटा हमारा लेटर सी। लेटर सी। ख खैट, ख खैट। सी बहुत इजी है बच्चे। ख खैट, अगर आपको सी बनाना आ गया तो आपको ए भी बनाना आ जाएगा। ख खैट, ख खैट, ख खैट। तो आपने इंग्लिश में तो अभी इन थ्री लेटर्स की ए ब ख की प्रैक्टिस करनी है, और हिंदी में अब हम करेंगे बेटा अपना थ्री व्यंजन्स क ख और ग। क देखो कैसे बनाना है, पहले स्टैंडिंग लाइन, देन यहाँ बीच में से ऐसे एक ऐसे क मतलब, और फिर इस इसको ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे लेके आना है। तो ये हमारा बन गया क। क कबूतर स्टैंडिंग लाइन, यहाँ से स्टार्ट करके थोड़ा सा नीचे से ऐसे कर्व, फिर इसको ऊपर यहाँ पर और ऐसे नीचे, ज्वाइन नहीं करना इसको, ऐसे लेके जाना है, और ऊपर स्लीपिंग लाइन। क कबूतर, क कबूतर, क केला, क कछुआ। मैंने आपको बताया ना आपकी रीडिंग में, तो ऐसे बनाना है आपको क क। ओके, कैसे बनाना है क, ये क्या है आपका क। नेक्स्ट हमारा व्यंजन क्या आता है बेटे, ख खरगोश। आपको देखो ये टू डॉट्स दिख रही हैं, यहां पर आपने एक छोटा सा क बनाना है, फिर आपको यहां पर ऐसे करके ऐसे यहां से ऐसे लेके और ऐसे वन, और फिर इसको ऐसे करना है यहां से क। ये बन गया आपका ख खरगोश। क्या बन गया आपका ख खरगोश। ये आपको एक इजी वे ये भी है बेटा, वैसे ये वे होता है लिखने का, बट आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। पहले आप वन बना लो, फिर आप कर्व बना लो, और फिर इसको ज्वाइन कर दो, और फिर आप इसको ऐसे कर दो। बट ये राइट वे नहीं है, ये सीखने का वे है, लेकिन बनाना आपको ऐसे ही है, क्योंकि आप अगर ऐसे बनाओगे तो आपको ये लिखने में फिर इजी रहेगा। ये क्या है बेटे ख खरगोश। पहले वन कर्व, देन यहां तक इसको लेकर आओ, यहां तक आप लेकर आए, पेंसिल कहीं पर भी लीव नहीं करनी आपको, फिर ऊपर लेके जाओ, फिर नीचे डॉट तक लेकर जाओ, और फिर इसको ऐसे बीच में सर्कल कर दो। क्या बन गया ये ख खरगोश। क्या बन गया ख खरगोश। क्या है ये ख खरगोश, ख खरगोश। क्या बना ये ख खरगोश। नेक्स्ट व्यंजन क्या है बेटा हमारा ग गमला। यहां डॉट तक ऐसे पूरा नीचे तक नहीं लेके आना, फिर इसको ऐसे और ऐसे, और यहां पर एक स्टैंडिंग लाइन। ये क्या बन गया हमारा ग गमला। ग गधा, ग गाय। आपको मैं रीडिंग करवाती थी ना क्लास में भी, तो आप इसको बोल बोल कर करो ऐसे। ग क्या है ये ग। ग बहुत इजी है बेटा ग। आपने जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि आपको इजी रहे और आइडेंटिफाई भी हो। हमने हिंदी में क्या किया बेटा क ख और ग, और हम मैथ्स में क्या करेंगे बेटे आज, काउंटिंग 1 to 40। वन नंबर मैंने लिखा है ना, आप लिखोगे टू, ये तो बताने की जरूरत नहीं, सबको आता है। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, वन, जीरो, टेन। वन वन इलेवन लिखा है ना, वन टू ट्वेल्व बोल बोल कर करो, वन थ्री थर्टीन, वन फोर फोर्टीन, वन फाइव फिफ्टीन, वन सिक्स सिक्सटीन, वन सेवन सेवनटीन, वन एट एटीन, वन नाइन नाइनटीन, टू जीरो ट्वेंटी। ट्वेंटी वन लिखा है ना, टू वन ट्वेंटी वन, टू टू ट्वेंटी टू, टू थ्री ट्वेंटी थ्री, टू फोर ट्वेंटी फोर, टू फाइव ट्वेंटी फाइव, टू सिक्स ट्वेंटी सिक्स, टू सेवन ट्वेंटी सेवन, टू एट ट्वेंटी एट, टू नाइन ट्वेंटी नाइन, थ्री जीरो थर्टी।
थ्री वन लिखा हुआ है, अब आपने क्या करना है, थ्री टू 32, थ्री थ्री 33, थ्री फोर 34, थ्री फाइव 35, थ्री सिक्स 36, थ्री सेवन 37, थ्री एट 38, थ्री नाइन 39, फोर जीरो 40। तो आज आपने काउंटिंग करनी है 1 to 40। ठीक है बच्चे, तो आपने अपनी लाइव क्लास में अपनी मैम को दिखाना है कि हमने काउंटिंग की है, और मैम कोई भी नंबर बोलेंगी तो वो आपने लिख कर दिखाना है अपनी मैम को। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।